नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में 8 लाख से ज्यादा मरीज हैं, तो वहीं सिर्फ महाराष्ट्र में 2.5 लाख के आसपास मरीज हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में ही सबसे ज्यादा केसेस बढ़े। महाराष्ट्र सरकार के लिए परेशानी तब बढ़ गई जब धारावी जैसी जगह में कोरोना संक्रमण बढ़ गया। लेकिन पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे। मुंबई सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि धारावी में भी एक दिन में आने वाले टेस्टों की संख्या कम हो गई। WHO ने मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों की सराहना की। Examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in Dharavi, a densely packed area in the mega city of Mumbai, a strong focus on community engagement and the basics of testing, tracing, isolating, and treating all those that are sick is key to breaking the chains of transmission and suppressing the virus. As we continue to tackle the pandemic, we're also looking into the origins of the virus. WHO महानिदेशक ने कहा कि इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया और यहां तक कि धारावी भी है, जो कि मुंबई का घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों के तुरंत इलाज पर ध्यान दिया गया। ये ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ने और वायरस पर काबू पाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने नेतृत्व, सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को धारावी में कोरोना के 12 मामले सामने आए। वर्तमान में 166 सक्रिय मामले हैं और अब तक 1952 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1,24,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। वहीं 5,59,000 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका और ब्राजील इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।